हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? तो लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन पढ़ा था ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो बेसिकली दोनों टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, बट आपकी बुक में जो टॉपिक दिया है वो शायद प्राइवेट वर्ड यूज़ करके दिया है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों का प्रोसीजर सेम है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अगर ओपीसी प्राइवेट में जाएगी तो दो मेंबर्स, दो डायरेक्टर्स, ओपीसी अगर पब्लिक में जाएगी तो दो दो से आपको तीन डायरेक्टर करने पड़ेंगे और दो मेंबर, तो सॉरी, आपको जो आपका डायरेक्टर है उसे तीन करने पड़ेंगे और आपका जो मेंबर है आपको सेवन मेंबर्स करने पड़ेंगे मिनिमम। तो अभी तक जो आपका एक मेंबर था वहाँ पे छः और लेकर आने पड़ेंगे। तो प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं था। हमने पढ़ा कि ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है वॉलेंटली भी और मैंडेटरी भी। आई होप आपको लास्ट क्लास में समझ आया होगा। मैंने बहुत ब्रेक डाउन करके बहुत प्यार से आपको पढ़ाया था कि ओपीसी अगर कन्वर्ट होती है तो दो तरीके से होती है, वॉलेंटली बेसिस पे जहां आपको 2 साल का गैप देना था कहां से, इनकॉरपोरेशन से, और मैंडेटरी बेसिस पे जहां आपका टर्नओवर या आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड हो जाए। तो पेड अप शेयर कैपिटल तो साल में कभी भी पता चल सकती है, जब भी एक्सीड होगी, लेकिन जो टर्न ओवर है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा रेलिवेंट डेट का। एवरेज निकालना है 3 साल का, 3 साल के बाद आप एवरेज निकालोगे तो जब आपको टर्न ओवर पता चला कंपनी का, वहाँ से आपके पास टाइम पीरियड है 60 डेज में, तो आपको इन्फॉर्म करना है INC 5 में, और INC 6 आपको फाइल करना है साथ में। और INC 6 आपको पता है 6 मंथ के अंदर अंदर फाइल करना है, और ROC क्या करेगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन आपको दे देगा। तो ये तो बात हुई लास्ट क्लास की, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्योंकि तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा मतलब नीड है ज़्यादा कि भाई मैं आपको पिछली क्लास का दोबारा उतना ही रिपीट कराऊं जितना मैंने पिछली क्लास में दोबारा। तो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न भी मैंने आपको दे ही रखे हैं कि एटलीस्ट 2 साल का गैप होना चाहिए INC 6 में एप्लीकेशन, और शेल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टर। मैंडेटली कन्वर्ट करना है जैसे ही आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड होगी, या 3 साल का एवरेज जब आपको पता चलेगा उसी टाइम। नोटिस ऑफ कन्वर्जन INC 5 में 60 डेज में, एप्लीकेशन 6 मंथ में, और इंक्रीज करना है सेम नंबर ऑफ डायरेक्टर और नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इंटू ओपीसी। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इंटू ओपीसी। अब प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कब कन्वर्ट होगी, इसके लिए आपको एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि हमने ओपीसी को किसके इक्वल माना है, स्मॉल कंपनी के। और अभी अभी हमने कन्वर्जन पढ़ा कि ओपीसी को मैंडेटरी कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर 50 लाख की कैपिटल और 2 करोड़ का टर्नओवर आप क्रॉस कर जाओ। तो अगर एक ओपीसी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और इसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक क्लाइंट आता है मेरे पास, बोले भारत सर, मैं कहा हाँ जी सर, बोले सर हमारी एक प्राइवेट कंपनी है इसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ओपीसी में। मैं कह सर क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हो, बोले सर प्राइवेट कंपनी में हमने 2 पार्ट मेंबर रखे हुए हैं और जो सेकंड मेंबर है वो बहुत दिक्कत दे रहा है। बोले जी सारा पैसा मेरा लगा है, सब कुछ मेरा है, या हम 2 भाइयों की कंपनी थी, हम 2 भाई अब साथ में काम नहीं कर सकते, हम दोनों अब बिजनेस अलग अलग करना चाह रहे हैं। मैं कहा सर फिर कन्वर्ट आपका फिर तो बंटवारा होगा। बोले जी नहीं, वो कंपनी लीव करने के लिए तैयार है, हम आपस में हमारा फाइनल सेटलमेंट हो गई है, वो आप छोड़िए, हमारी प्राइवेट कंपनी को आप ओपीसी में कन्वर्ट करिए, 1 पर्सन कंपनी, मैं ही डायरेक्टर और मैं ही मेंबर। एक मेंबर, मैंने सुना है कि 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर चाहिए होता है। मगर सर बिल्कुल सही सुना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर प्राइवेट कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल बताओ कितनी। बोले सर हमारी पेड अप शेयर कैपिटल लेस है किससे, 50 लाख से, ज्यादा नहीं है। बोले जी आपका क्या बनाना है, टर्नओवर बताओ। बोले
बोले जी पिछले 3 साल का अगर मैं टर्नओवर का एवरेज करूँ तो 2 करोड़ नहीं जाता है, तो 2 करोड़ मेरा टर्नओवर नहीं है और 50 लाख की मेरी कैपिटल नहीं है। मैं कहा सर फिर तो आपकी कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। बोले सर बढ़िया। मैं कहा सर लेकिन क्या करना पड़ेगा? बोले जी 2 मेंबर है, रिड्यूस करके 1 मेंबर करो, 2 डायरेक्टर हैं, 2 रह सकते हैं। बोले नहीं जी हमें एक ही डायरेक्टर चाहिए। मैं कहा सर वो भी करेंगे हम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले सर प्रोसीजर बताओ। ऐसे नहीं, मैं कहा सर प्रोसीजर बता देते हैं आपको। प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो अभी तो प्राइवेट है ना, मतलब अभी तो 2 डायरेक्टर हैं, अभी 2 मेंबर हैं। मैं कहा सर सबसे पहले इशू करो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोले सर हर बार आपका है भाई, आप सीधा क्यों नहीं बताते? मैं कहा नहीं सर प्रोसीजर प्रोसीजर के वजह से रहेगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या है प्रोसीजर। मैं कहा सर इशू करो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोले जी कर दिया चलो। मैं कहा सर आप अब तो आपको याद हो गया होगा कितने दिन का नोटिस। बोले हाँ मेरे को याद है, आपने हर बार बताते हो 7 डेज का नोटिस। मैं कहा सर सेक्शन भी था? बोले हाँ हाँ याद है 773 सबसेक्शन 4 SS1। मैं कहा सर आपको तो सब कुछ याद होने लग गया। बोले हाँ जी सर आपने पढ़ाया था। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा सर बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है? बोले हाँ जी पता है बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है और बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भी रहेगा। मैं कहा सर आप तो समझदार हो गए। बोले सर आप एक ही प्रोसीजर को बार बार करवाते रहते हो। बोले मैं ओपीसी मैं प्राइवेट ओपीसी को प्राइवेट पब्लिक में चेंज कराने आया था तो भी आपका यही प्रोसीजर था, पब्लिक टू प्राइवेट कराया, प्राइवेट टू पब्लिक कराया तो भी आपका यही था। मैं कहा सर प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बीच में कुछ चेंजेस आते हैं। बोले सर बोर्ड मीटिंग होल्ड कर ली, एजेंडा बताओ क्या है? एजेंडा है सर कन्वर्जन का। बोले सर एक BR कन्वर्जन का कर लेंगे हम, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस कर लेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर भी हमें रिड्यूस करने हैं, हम नहीं चाहते डायरेक्टर ज़्यादा रखें, हमें एक ही रखना है। मैं कहा सर वो आपकी मर्जी है, आप कितने भी रखो। बोले सर बढ़िया। मैं कहा सर फिर लेकिन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? EGM तो बुलानी पड़ेगी। बोले सर आपका वही, फिर आप ये कहोगे कि डे डेट टाइम और प्लेस फिक्स करो, फिर कहोगे ड्राफ्ट नोटिस अप्रूव कराओ, फिर आप ऑथराइज कराओगे CS या डायरेक्टर को नोटिस इशू करने के लिए। मैं कहा सर आप तो बहुत समझदार हो गए, आपको तो सब कुछ याद हो गया, आपको तो पूरा प्रोसीजर पता चलने लग गया है। बोले सर आपकी संगत में सब कुछ सीख गए। मैं कहा सर नोटिस इशू कर रहे हो किस चीज़ का? EGM का। बोले हाँ हाँ याद है 21 क्लियर डेज का नोटिस होता है। मैं कहा सर सेक्शन और बता दो बच्चों को, तो 101 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए 102 प्लस SS2। बोले सर नोटिस इशू हो गया, EGM होल्ड कर लो। यहाँ तो ये नहीं कहोगे ना 122 अप्लाई हो रहा है, नहीं भाई प्राइवेट कंपनी है ओपीसी में तो जाएगी। बोले सर मीटिंग बुलानी पड़ेगी प्रॉपर। मैं कहा हाँ जी EGM होल्ड करो, SR पास करो, किस चीज के लिए? कन्वर्जन के लिए। मैं कहा सर SR पास हो गया। बोले सर MGT 14। मैं कहा सर MGT 14 30 डेज में ये भी कर दिया सर। मैं कहा सर बस एक चीज रह गई। बोले क्या सर? मैं कहा सर एप्लीकेशन। बोले सर ये फॉर्म तो आपने पहले भी बताया था, कब? जब हमने ओपीसी को कन्वर्ट किया था, चाहे वॉलेंटरली चाहे मैंडेटरी, चाहे हमने ओपीसी को कन्वर्ट किया था पब्लिक में या प्राइवेट में, मैंडेटरी या वॉलेंटरली, तो भी आपने यही फॉर्म बताया था। मैं कहा हाँ जी सर। फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, INC 6C फाइल होगा, एप्लीकेशन टू ROC फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इंटू ओपीसी। बोले सर फिर? मैं कहा सर ROC स्क्रूटनी करेगा आपके डॉक्यूमेंट को और अगर सेटिस्फाई हुआ, बोले जी हम भी पता है न्यू CUI दे देगा लेकिन पुरानी डेट वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर आधे CS हम भी हो गए। बोले आपके साथ रहते रहते कन्वर्जन हमने सीख लिया, आधा कन्वर्जन का प्रोसीजर हमें भी आता है, थोड़ा बहुत आप बता दो, गाइड करते रहो।
मैं कह सर काम तो सी एस से ही कराना पड़ेगा। बोले अच्छा, तो बोले सर एक बार सेक्शन की लैंग्वेज और पढ़ लेते हैं। मैं कह सर चलो सेक्शन की लैंग्वेज और सही, चलो भाई सेक्शन की लैंग्वेज पर आते हैं। बोले नहीं सर, सेक्शन से रूल वूल का पता चलता है, वैसे रूल नहीं बताते आप। मैं कह सर रूल आपको बता चुके होते हैं, सिर्फ रूल का नंबर रह जाता है, तो रूल का नंबर भी पढ़ा देंगे। ए प्राइवेट कंपनी अदर देन ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। बोले सेक्शन 8 वाली नहीं होनी चाहिए। तो एक प्राइवेट कंपनी, सीधी सी बात करते हैं, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, को कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को 1%। लेकिन किसी भी से एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सीड हुआ तो फिर से रिकन्वर्ट करना पड़ जाएगा। लीगल प्रोविजन में सेक्शन 18 है और रूल 7 है, तो सेक्शन 18 तो सेम है भाई, सब जगह आएगा, पूरे कन्वर्जन में सेक्शन 18 है। रूल 7 पढ़ना पड़ेगा। बोले जी रूल 7 में क्या है, एक प्राइवेट कंपनी अदर देन ए कंपनी वो सेक्शन 8 वाली, हैविंग पेड शेयर कैपिटल ऑफ 50 और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़, वो कन्वर्ट कर सकती है 1% में बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। बोले एसआर क्यों किया? बोले सर अल्टरेशन ऑफ एओए, एओए में अल्टरेशन होती है ना सर, इसी वजह से करना पड़ता है। बोले अच्छा, बिफोर पासिंग रेजोल्यूशन कंपनी को ऑब्टेन करना है एनओसी इन ए राइटिंग फ्रॉम द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। बोले सर ये तो आपने नहीं बताया था। बोले बताने की क्या चीज है सर, एनओसी आपको सारे मेंबर्स, क्योंकि आप मेंबर रिड्यूस कर रहे हो, एक ही मेंबर को रख रहे हो, बाकी जाएंगे तो कंसेंट तो लेनी पड़ेगी। बोले क्रेडिटर्स, बोले जी आप प्राइवेट कंपनी थे, अभी तक 2 लोग लाइबल थे कम से कम, अब आप अकेले लाइबल हो तो क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। 1% कंपनी शैल फाइल ए कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कौन से फॉर्म में, एमजीटी 14 में, एप्लीकेशन लगानी आईएनसी 6 में फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू 1% कंपनी। बोले जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? बोले डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं सर। बोले लिस्ट ऑफ मेंबर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, बोले इन्हीं की कंसेंट ली थी, लगा देंगे। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी थी, अभी ओपीसी में चेंज होगी तो लास्ट बैलेंस शीट अपनी बना के जाए। कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, बोले सर अभी लिस्ट बनाई थी। बोले नहीं सर, नो ऑब्जेक्शन भी ले आओ इनसे। और एक डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर बाय वे ऑफ एफिडेविट ड्यूली स्वन कंफर्मिंग दैट ऑल मेंबर क्रेडिटर ऑफ कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर कन्वर्जन, द पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 लाख रुपीज और लेस और एवरेज एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज एज द केस मे बी। तो एक डिक्लेरेशन चाहिए एफिडेविट की फॉर्म में किससे, डायरेक्टर से, कि ऑल मेंबर्स और क्रेडिटर ने अपनी कंसेंट दे दी है किस चीज के लिए, कन्वर्जन के लिए, और पेड अप शेयर कैपिटल 50 और उससे लेस है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज और उससे लेस है एज द केस मे बी। तो ये कौन बता रहा है? डायरेक्टर बता रहा है। ऑन बींग सेटिस्फाइड, तो आर ओ सी क्या इशू कर देगा? आर ओ सी इशू कर देगा सर्टिफिकेट, न्यू सी आई आपको दे देगा। बोले सर प्रोसीजर, मैं कहा सर प्रोसीजर पढ़ा था अभी हमने, प्रोसीजर में कोई नई बात नहीं है, प्रोसीजर आपने पढ़ा था। बोले जी बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे, हाँ जी सर, इशू करेंगे नोटिस, एजेंडा क्या रहेगा? टू गेट अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर, अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड की अप्रूवल, बी आर से कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इंटू ओ पी सी, फिक्स करेंगे डे डेट टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग ई जी एम, अप्रूव करेंगे नोटिस ऑफ ईजीएम, ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर और सीएस को नोटिस इशू करने के। बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी शैल ऑब्टेन नो एनओसी इन राइटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर और क्रेडिटर, एसआर पास करने से पहले नो ऑब्जेक्शन ले लो, क्योंकि मीटिंग में फिर कभी झगड़ा हो, मीटिंग में कुछ और चीज हो। इशू करो नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, तो नोटिस मीटिंग का, जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले वही डायरेक्टर, मेंबर और ऑडिटर को कन्वीन करो जनरल मीटिंग, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मेंबर की अप्रूवल लो फॉर अल्टरेशन इन एमओए। एमओए में क्या अल्टरेशन आएगी? बोले जी एक क्लोज एक्स्ट्रा हो जाएगा नाम में से, ओपीसी नाम में ओपीसी आ जाएगा और एक क्लोज अल्टर हो जाएगा, कौन सा? नॉमिनी क्लोज आ जाएगा भाई। बोले अच्छा, फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म एमजीटी 14। बोले हाँ जी एसआर पास किया एमजीटी 14 हमें पता है, और अटैचमेंट क्या लगानी है? बोले नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग along with copy of explanatory statement, certified true copy of special resolution, altered MOA, altered AOA। बोले जी application हमें ये भी पता है, application file करनी INC 6 में to the ROC concerned with the all necessary annexure, list of member creditor, latest audited balance sheet, copy of no objection from secured creditor or member से भी,
और कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ एफिडेविट बाय डायरेक्टर्स, वही टर्नओवर और बाकी सब चीज़ों के लिए। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय आरओसी, आरओसी डॉक्यूमेंट चेक करेगा और अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको क्या कर देगा, इशू कर देगा क्या, सर्टिफिकेट। किस चीज़ का, कि कन्वर्जन इफेक्टिव हो गई, सर्टिफिकेट इशू कर देगा क्या, कन्वर्जन इफेक्टिव हो गई। पेनल्टी भी दे रखी है, इफ वन पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर कॉन्ट्रामेंड एनी ऑफ द प्रोविजन, तो द ओपीसी और अदर ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000, फर्दर फाइन 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ऑफेंस ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रामेंस कॉन्टिन्यू। तो ओपीसी में कन्वर्ट होने के बाद आपके ऊपर ये फाइन है अगर आपने किसी चीज का नॉन कंप्लायंस बीच में करा होगा। तो ये हो गया आपका ओपीसी, प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। इजी था, सब एक जैसे लग रहे हैं। और बोले सर क्लाइंट आता है पूछ के चला जाता है, करवाता तो नहीं है कन्वर्जन? बोले कोई नहीं सर, करवाएंगे, किसी का तो कन्वर्जन कराएंगे। आपको समझ आ रही है, अच्छी बात है। बोले सर आपके स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आपको बार बार नहीं बताना पड़ रहा। तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट इंटू पब्लिक, पब्लिक इंटू प्राइवेट, ओपीसी इंटू प्राइवेट या पब्लिक, और प्राइवेट इंटू ओपीसी, प्राइवेट इंटू ओपीसी। ये अभी तक के हमारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए। बोले जी आपने तीन क्लास में तीन ही कराए, फोर्थ क्लास, मगर सर अभी तो बहुत टाइम है। बोले सर चलो एक कन्वर्जन और बता दो फिर। मैं कहा सर पूछो। तो नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है कंपनी इनटू एलएलपी। बोले सर आपकी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, अब एलएलपी में चेंज करना चाह रहा हूँ। बोले सर एलएलपी में चेंज करना है तो एलएलपी के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि अगर कोई कंपनी कन्वर्ट होती है एलएलपी में तो उसको क्या प्रोविजन फॉलो करने है? बोले कंपनी चेक तो अपनी जगह है, साथ ही साथ आपको क्या फॉलो करना है, एलएलपी एक्ट भी फॉलो करना। बोले सर इसका और बता दो। मैं कहा सर चलो इसका और बता देते हैं आपको। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है और वो चेंज होना चाह रही है, कन्वर्ट होना चाह रही है एलएलपी में, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, एलएलपी एक्ट अप्लाई होगा। बोले सर प्राइवेट कंपनी एलएलपी में जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहा सर मेमोरेंडम आर्टिकल तो रहे नहीं, ये तो खत्म हो गए, और कंपनी क्या हो गई एलएलपी, तो एलएलपी एक्ट देखना पड़ेगा सर। तो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन देखना पड़ेगा, और एलएलपी एक्ट में लिखा है कि एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में। अब प्राइवेट कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। यहां जो मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वहां पर क्या बन जाएंगे, पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बोले सर ये कैसे होगा? बोले सर वो तो आपको सोचना पड़ेगा, आप सेम लोगों को मेंबर रखना चाह रहे हो या नहीं रखना चाह रहे, या डिफरेंट लोगों को आप रखना चाह रहे हो। बोले सर अच्छा। मैं कहा हाँ जी सर। बोले सर चलो हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, इसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दो। मैं कहा सर प्रोसीजर बताऊं? बोले नहीं नहीं हमें पता है। नहीं सर चेंज है प्रोसीजर। बोले अच्छा। मैं कहा सर प्राइवेट कंपनी अगर कन्वर्ट करना चाह रही है इसमें एलएलपी में तो बोर्ड मीटिंग। बोले सर सेम तो है। मैं कहा सर ये सारा सेम नहीं है, इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग 173 सबसेक्शन 4। बोले सर बहुत हो गया, पता है हमें 7 डेज का नोटिस है, SS2 SS1 भी फॉलो करना है। बोले सर अब आप बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के बारे में बोलोगे? मैं कहा हाँ जी सर। बोले सर बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे, बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन अप्रूवल लेंगे इसकी डायरेक्टर्स की, इस चीज के लिए कन्वर्जन के। बोले सर ईजीएम। बोले सर ईजीएम, ईजीएम करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बोले सर ईजीएम, ईजीएम का कोई प्रोविजन नहीं है। बोले सर लेकिन अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, तो आप क्या करो, शेयर होल्डर्स की कंसेंट ले लो, क्योंकि आप सेम शेयर होल्डर्स को वहां कर रहे होगे, तो डायरेक्टर्स और आपका अप्रूवल लेकर क्या करो, सेम लोगों को वहीं पर रख लो,
तो रेजोल्यूशन मारो, फिर वो बोले आपकी आप एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर अपना लो। बोले सर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर? मैं कहा हाँ जी, आपने सेटिंग अप पे पढ़ा है, आपने एक चैप्टर में पढ़ा था एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। बोले हाँ जी सर। बोले सबसे पहले एलएलपी का नेम रिजर्व करेंगे। बोले सर उसके लिए एक फॉर्म था, कौन सा? एलएलपी रन। बोले सर इसकी कितनी फीस थी? बोले सर 200 रुपये फीस है। बोले नहीं 1,000 थी। मैं सर वो उसकी फीस है कंपनी का नेम की। तो एलएलपी रन आपने फाइल किया, नेम आपके लिए रिजर्व हो गया। बोले सर नेम रिजर्व होने के बाद, मैं सर सेकंड काम फॉर्म एलएलपी, एलएलपी का जो फॉर्म टू है होता था पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं फिलिप, FILLIP। बोले सर ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ कन्वर्जन के लिए फॉर्म 18 लगाना पड़ता है। फॉर्म 18 ये मैंडेटरी है, ये आपका अलग है जो आपने नहीं पढ़ा है, किसमें? इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP में। फॉर्म 18 आपको अटैच करना है, ये क्या है? लिंक फॉर्म है, दोनों एक साथ ही फाइल होंगे अगर आप कन्वर्जन कर। अब इसके बाद तो बाकी सेम ही है, क्या होगा? आरओसी फॉर्म चेक करेगा और आरओसी क्या करेगा? आपकी एलएलपी अप्रूव कर देगा। एलएलपी अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है? आपको क्या बनाना है? एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट, और 30 डेज में फाइल करना है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 3 में। बस यही था एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। बोले सर बड़ा सिंपल सा है। मैं कहा हाँ जी सर, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, बड़ा सिंपल सा है। एलएलपी को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में। एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी और एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 58 शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 ऑफ एलएलपी। देखो एलएलपी का क्लॉज 58 शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 ऑफ एलएलपी एक्ट। फॉर्म 18 जरूरी है, नीड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार along with the form filing for such conversion। form 18 mandatory है क्योंकि new LLP बनाते हैं तब नहीं आता है, जब conversion से बना रहे होते हैं तब form 18 mandatory। क्यों mandatory? अभी reason आपको पता चलेगा। procedure क्या है conversion का? बोले सर board meeting, call the meeting of board of director, pass resolution और authorize the director to apply for name of the LLP। application for name availability, file e form LLP run with ROC। अटैचमेंट क्या लगानी है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी अप्रूविंग द कन्वर्जन इनटू एलएलपी शैल बी अटैच विद द अफोरसेड फॉर्म। ऑब्टेन नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम आरओसी ताकि नाम आपके पास रहे। और अगर आपको पता हो यहाँ 90 डेज मिलते हैं, वैसे कंपनीज एक्ट नहीं है जो 15 दिन और 60 दिन मिल रहे हैं, सॉरी 20 दिन और 15 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, 15 मिलते हैं आई थिंक, जो भी है 20 मिल रहे हैं 15 मिल रहे हैं, आपने पढ़ रखा है। ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, बोले एलएलपी एग्रीमेंट, बोले हाँ जी सर पहले से ही ड्राफ्ट करके रखो, बाद में तो इस पर साइन वाइन कराने हैं लेकिन ड्राफ्ट अभी कर लो। बोले अच्छा, तो कंटेंट क्या होगा एलएलपी एग्रीमेंट का? नेम ऑफ एलएलपी, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट परपोज, बिजनेस रूल फॉर गवर्निंग द एलएलपी। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द एलएलपी एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन as detail of same need to be filed in e-form 3 within 30 days of incorporation, but in order to avoid any dispute between the partner as to the terms and condition of agreement after the conversion into LLP। बोले वैसे तो मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम बनवा क्यों रहे हैं? ताकि बाद में कोई झगड़े का रीजन ना आए कि भाई ये था और ये था। पहले से ही पता है ना क्या, एक ड्राफ्ट तो बना हुआ है कि उसके हिसाब से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये हमें पहले से पता है। फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो फॉर्म फिलिप में फाइल करो, FILLIP में। अब क्या फाइल कर दो? फाइल फिलिप फॉर्म विद ROC अलोंग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सब्सक्रिप्शन शीट साइंड बाय द प्रमोटर, नोटिस ऑफ कंसेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डिटेल ऑफ LLP और कंपनी इन विच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ए डायरेक्टर और पार्टनर। तो ये इन अदर एंटिटीज हो गया। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन अलोंग विद फॉर्म फिलिंग, फिलिंग लिखा हुआ है, ये फाइलिंग आना चाहिए।
ई कहलाएगा। फाइल ई फॉर्म 18 अलोंग विद द आरओसी, विद आरओसी अलोंग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, लिस्ट ऑफ सिक्योर क्रेडिटर अलोंग विद दिस सेकंड कंसेंट, अप्रूवल फ्रॉम द गवर्निंग काउंसिल इनकेस अगर प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, एनओसी फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कॉपी ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, अप्रूवल फ्रॉम एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और अथॉरिटी एज मे बी रिक्वायर्ड, पर्टिकुलर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग पेंडिंग। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपने फॉर्म फाइल कर दिया और अगर फॉर्म फाइल करने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो रजिस्ट्रार ऑफ LLP इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर 19 एज टू द कन्वर्जन ऑफ LLP। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल इशूड शैल बी द कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ द कन्वर्जन। तो फाइनल एविडेंस है ये कन्वर्जन का कि हो गई। अब जैसे ही आपकी हो जाए तो फिर कौन सा फॉर्म फाइल कर दो, LLP फॉर्म 3 30 डेज के अंदर अंदर। बोले सर ये तो बड़ा छोटा सा प्रोसीजर था और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था किस चीज़ का, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP। बोले कोई भी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी और एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है किसमें, LLP में, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लोज 58 शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 ऑफ द LLP एक्ट। फॉर्म 18 आपको फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद फॉर्म PLE फॉर द कन्वर्जन। कन्वर्जन का प्रोसीजर क्या है, बोर्ड मीटिंग, एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी, ऑब्टेन नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम ROC, ड्राफ्टिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट, कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट हमने देख लिए, और फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म PLE में, और ये इसके साथ ये दोनों लिंक फॉर्म है एक साथ फाइल करने हैं, ये दोनों लिंक फॉर्म है। लिंक फॉर्म का मतलब एक साथ फाइल करने होते हैं, अलग अलग फाइल करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अलग अलग फाइल करोगे एक्सेप्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसमें फॉर्म में आप सेलेक्ट करते हो ना रेडियो बटन होते हैं, तो अगर आपने ये सेलेक्ट किया कि आपका कन्वर्जन हो रहा है तो मैंडेटरी है कि फॉर्म 18 उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। अटैच का मतलब दोनों फॉर्म एक साथ अपलोड करेंगे, वहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे दो फॉर्म को हम एक साथ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर PLE फाइल करो, फॉर्म 18 उसके साथ करो, फॉर्म 18 में जो भी अटैचमेंट है उसके साथ लगा दो। फिर जैसे ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाए उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या LLP एग्रीमेंट फाइनल कर लो, LLP एग्रीमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट लगा दो, और फिर फाइनली क्या करो LLP एग्रीमेंट फाइल कर दो। कौन से फॉर्म में, फॉर्म E फॉर्म 3, E फॉर्म 3 में क्या करो फाइल। तो ये भी आपको पता होगा कि LLP में ये चेंज आया था, पहले फॉर्म LLP 1 हुआ करता था या फॉर्म 1 बोलते थे, तो ये नेम अप्रूवल के लिए ये फॉर्म हुआ करता था, तो उसको चेंज क्या कर दिया, तो पहले ये हुआ करता था, अब इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया, LLP रन, रिजर्व यूनिक नेम। पहले फॉर्म 2 हुआ करता था या LLP 2 भी कहते थे, फॉर्म 2, इसको चेंज करके फॉर्म PLE लाए हैं, FILLIP, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज, सॉरी LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको चेंज कर दिया। फॉर्म 3 पहले भी था, फॉर्म 3 अब भी है, इसमें कोई फर्क नहीं आया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया है, सेम वही तरीका है, सेम वही सब चीज़ें हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो आज हमने दो प्रोसीजर पढ़ लिए। बोले सर आपने प्राइवेट कंपनी इनटू OPC हमें सिखा दिया कैसे कन्वर्ट होगी, आपने प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया। बोले OPC कन्वर्ट करना, बोले बड़ा बड़ा ईजी है सर, OPC में कन्वर्ट करना है, बोर्ड मीटिंग करो, जनरल मीटिंग करो, रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 फाइल करो, MGT 14, और यहाँ पे INC 6 में एप्लीकेशन भी लगाओ, न्यू COI अगर आ गया तो कंपनी कन्वर्ट हो गई इसमें OPC में, बट नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेंगे, एक करना पड़ेगा, डायरेक्टर तो रिड्यूस करो ना करो, लेकिन 50 लाख की कैपिटल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ का टर्नओवर से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट इनटू LLP बड़ा सर ये भी सिंपल ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, LLP एक्ट के प्रोविजन, तो शेड्यूल 2, 3, 4 जो भी था आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो। बोले सर अभी तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, बोले बोर्ड मीटिंग होल्ड कर लो, बोर्ड मीटिंग होल्ड कर लो, बोर्ड की अप्रूवल ले लो, नेम अवेलेबिलिटी चेक कर लो, रन फॉर्म फाइल करके
नेम रिजर्व अगर हो गया तो फिर आप क्या करो, आगे का प्रोसीजर फिर इनकॉर्पोरेशन की तरफ ध्यान तो एलएलपी का, बट क्योंकि कन्वर्जन से हो रहा है तो फॉर्म 18 मैंडेटरी है, साथ में फाइल करना, सब कुछ सही रहा तो न्यू सीओआई आपका एलएलपी का आ जाएगा। यहां से 30 डेज में क्या करो, एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करो, यहां से 30 डेज के अंदर अंदर क्या करो, एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करो। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम प्राइवेट इंटू पब्लिक पढ़ चुके हैं। तो प्राइवेट इंटू पब्लिक में क्या ज्यादा कुछ था? बोले नहीं सर, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं था, आपने बता रखा है ना, हमें तो वैसे ही याद कर लिया था कि ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो बोले INC 27 से काम चल जाएगा बस। बोले पब्लिक इंटू प्राइवेट, बोले सर हमें पता है पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो INC 27 से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हमें RD 1 लगा के RD से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं कहा बहुत बढ़िया। बोले फिर आपने क्या सिखाया सर? फिर आपने सिखाया प्राइवेट सॉरी OPC को कन्वर्ट करना इंटू पब्लिक या प्राइवेट। बोले सर हमें याद है, या तो मैंडेटरी होता है या वोलेंटली, बट वोलेंटली के लिए 2 साल का वेट है, और मैंडेटरी जैसे ही पेड अप कैपिटल एक्सीड करेगी और जैसे ही टर्नओवर एक्सीड करेगा, वहां से 60 डेज में तो INC 5 फाइल करना है और 6 मंथ्स में INC 6 फाइल करना है एप्लीकेशन। बोले सर फिर आपने क्या सिखाया? बोले सर आपने सिखाया प्राइवेट कंपनी इंटू OPC। बोले सर प्राइवेट कंपनी इंटू OPC, बोले आपको ध्यान रखना है क्या, पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, फिर INC 6 फाइल करो। बड़ा सिंपल सा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन लगाओ और अप्रूव करा लो, MGT 14 सब में आएगा। बोले सर आपने एक चीज और सिखाई। मैं क्या सिखा दिया भाई मैंने? बोले सर आपने प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी इंटू LLP भी सिखाया। बोले LLP एक्ट का ध्यान रखना है इसमें, और LLP एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेशन ही करनी है। तो पहले नेम रिजर्व कराना है रन फॉर्म फाइल करके, फिर फॉर्म फिलिप फाइल करना है, लेकिन अकेला नहीं जाएगा, ये फॉर्म 18 को साथ लेकर जाएगा। सब कुछ सही रहा तो न्यू COI आ जाएगा, और आते ही इसके फॉर्म 3 में LLP एग्रीमेंट फाइल कर। बताओ भाई कुछ नया कराया हो, कुछ नई चीज कराई हो? तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बोले सर आपके तो सारे प्रोसीजर सेम है। बोले भाई सब कुछ है, फॉर्म भी आपको रिवाइज करा दिए, फॉर्म भी आपको रिवाइज हो गए, कन्वर्जन भी रिवाइज हो गया, कैसे क्या कुछ था आपके दिमाग में आ गया होगा कैसे क्या कुछ हमने किया था। तो बस आज की क्लास इतनी करेंगे, अगली क्लास में अगला कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए इतना ही कन्वर्जन। अगली क्लास में कन्वर्जन से पहले हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, फिर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। अगली क्लास में कन्वर्जन से पहले हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, या फिर हम अगली क्लास में पहले कन्वर्जन ही कर लेंगे। कौन सा कन्वर्जन करेंगे? LLP इनटू कंपनी नहीं करेंगे हम पहले, LLP इनटू कंपनी के लिए वो हमें एक टॉपिक है वो समझना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी इनटू LLP सॉरी अनदर कंपनी कर लेंगे, सेक्शन 8 इनटू अनदर कंपनी कर लेंगे अगली क्लास में, और लिमिटेड बाय गारंटी इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये 2-3 प्रोसीजर हो जाएंगे अगली क्लास में, बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है ये भी, और ये भी छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। सोसाइटी भी है आपका, अब ये मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस एंटिटीज दे दिया है, बिजनेस एंटिटी में आपकी सोसाइटी भी आती है और ट्रस्ट भी, ट्रस्ट का कन्वर्जन भी दे रहा है एज ए लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन। चलो ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और साथ के साथ अपना रिवाइज करते रहो भाई। मैं पहले कह रहा हूँ आपको, कन्वर्जन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का है। अब किसका कन्वर्जन आ जाए उसका मैं कह नहीं सकता, बट OPC पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि OPC का 2-3 बार पूछा जा चुका है। या पब्लिक कंपनी का भी कर सकते हो, कि रिसेंट में चेंजेस आए हैं, पहले NCLT होता था, अब RD हो गया, तो रिसेंट में चेंजेस भी है, तो मे बी इससे पूछ लिया जाए। तो या फिर अभी सोसाइटी ट्रस्ट वाले नए आ गए, अभी थे नहीं इस चैप्टर में पहले, अब नए डाले हैं, तो क्या पता इनमें से। तो
अच्छे से करना है चैप्टर को, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे कि हमारा क्या चैप्टर रह गया है। बाय बाय, टेक केयर।